मध्य प्रदेश के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया था, आज उसके समर्थन में अजाक्स ने भी पेंशन नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर विरोध जताया है और मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। अजाक्स के कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भकौरिया ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करे, इसके अलावा मंत्रालय भत्ता भी कर्मचारियों को दिया जाए। साल 2005 से नियुक्त हुए कर्मचारियों को एनपीएस स्थान पर पुरानी पेंशन दी जाए, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की जाए और आउटसोर्सिंग की प्रथा को बंद किया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों की भर्ती भी की जाए। आज अजास की मंत्रालय शाखा द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में मेन जो मुद्दा है वह पदोन्नति में आरक्षण और पदोन्नति नियम शीघ्र जारी करने के संबंध में हमने ये मांग रखी है, साथ ही बैकलॉग के पदों और साथ ही साथ मंत्रालय की जो अन्य मांग है जैसे महंगाई भत्ता, मंत्रालय भत्ता और एक बड़ा मुद्दा जो अभी पूरे राष्ट्र स्तर पर चल रहा है कि जो 2005 से जो नियुक्त नवीन कर्मचारी हैं उन्हें जो पुरानी पेंशन थी वो लागू किया जाए, इन मांगों को लेकर हमने आज गेट मीटिंग की है।